Assalamu alaikum my YouTube family. I hope all of you are fine. So my name is Sayed Aisha Zulfikar. Again I want to share a news with you that is about IELTS exam. अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जुगाड़ तो मौजूद होते हैं. जुगाड़ू मतलब बेहतरीन जुगाड़ू हैं, लेकिन उन जुगाड़ के साथ साथ नुकसान भी हो जाते हैं. जिसमें अभी ये हुआ है कि जी रीसेंट एक IELTS का स्टूडेंट है जो कि बैन किया गया है कैम्ब्रिज की तरफ से फॉर 3 years. अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब IELTS में किस तरह से मैनेज हो गई चीज़ें. मतलब अगर किसी ने IELTS का एग्ज़ाम दिया हुआ है या फैमिली में पहले कोई दे चुका है तो आपको आइडिया होगा कि जहाँ जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ सबसे पहले आपकी ID चेक की जाती है, आपके थंबप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, देन आपको बिठाया जाता है. जब आप टेस्ट से निकलते हैं तो भी थंबप्रिंट्स लिए जाते हैं. इसमें कोई माल प्रैक्टिस की ही नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगेन एज आई सेड लाइक वी आर पाकिस्तानीज, वी हैव सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो पेपर बेस्ड हैं ऑब्वियसली जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं या ID डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं दे ऑल आर पाकिस्तानीज. तो एक है कि एक ह्यूज अमाउंट पे करके उनको की जाती है कि हमें IELTS में हेल्प आउट हो जाए. अब वो हेल्प आउट होता कैसे था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो आपको लिसनिंग एंड रीडिंग की सारी कीज दे देते थे. यानी जो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर आना है उसकी सारी कीज़ आपके पास आ जाती थी, आपने रट्टा मारना बैठ के बस. अब वो हुआ ये कि एक स्टूडेंट जिसने IELTS का एग्ज़ाम दिया, अब एक हम लोग हैं तो हम मतलब अगर हमें कुछ पहले मिल गया हम रट्टा मारा हुआ, हमने क्या करना कि हमारे पास एग्ज़ाम आना है, हमने करना ओहो वाओ ये तो वही था. तो हमने ना बस बैठ के उसको फिलिंग करने लग जाना है विदाउट हेयरिंग लिसनिंग के लिसनिंग में क्या बोला जा रहा है, विदाउट रीडिंग द पैसेजेस के रीडिंग को हम कैसे सॉल्व करें. तो हुआ ये कि वो उस कैंडिडेट ने भी यही किया कि उसने रीडिंग और लिसनिंग को फटाफट फौरन सॉल्व किया और उसका जब रिजल्ट आया तो रीडिंग में आ गए 8, लिसनिंग में आ गए 8, लेकिन राइटिंग में आ गए 5 एंड स्पीकिंग में भी आ गए 5. अब हुआ ये कि वो उस पर इंक्वायरी बैठ गई कि एक स्टूडेंट जो रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग इज़ क्वाइट ट्रिकी, तो इन दोनों में जो स्टूडेंट अच्छा है तो वो उसको स्पीकिंग और राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने उस कैंडिडेट को बुला लिया और उन्होंने अपने सामने लिसनिंग और रीडिंग का पेपर दिया कि भाई सॉल्व करो. अब वो बच्चा कैसे सॉल्व कर सकता था, मतलब एक प्रैक्टिस ही नहीं है. उसको सिर्फ एक सोल्यूशन दिया गया कि भाई आप इतने पैसे पे करो और आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे. तो उसने तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी IELTS, उसको क्या पता रीडिंग कैसे सॉल्व करनी है, लिसनिंग कैसे सॉल्व करनी है. अब वो बेचारा वहाँ पे उसका क्या स्कोर आए 4.5 एंड 5 इसी तरह से जो उसका स्पीकिंग और राइटिंग का स्कोर था. उन्होंने उसको एक लेटर के साथ 3 years फ्रॉम IELTS बैन कर दिया. अब मुझे बताएं कि उस बच्चे का अगर प्लान था फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन करने का तो वो तो 3 साल के लिए बस रह गया ना, क्योंकि उसकी तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी. तो अब जो कि अगर हम UK की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के कैनेडा के स्टूडेंट तो पहले भी यहाँ TOEFL कर रहे थे, यहाँ PTE कर रहे थे, यहाँ IELTS कर रहे थे. ये UK की वजह से ही बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज ओपन थे. तो अगर आप कोई आपको ये ऑफ़र करे, क्योंकि IELTS वाले भी अटेंटिव हो चुके हैं इस टाइम और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड को प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं दे आर सेइंग कि आप इतनी अमाउंट पे करें, वी आर गोइंग टू गिव यू द कीज़ और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. और एक इन चीज़ों पे ना जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मतलब 3 साल बैन होने से तो बेहतर है ना. ये लैंग्वेज टेस्ट में भी लैंग्वेज साइड में भी माल प्रैक्टिस ऑन थ्रू थी, गो थ्रू थी, लेकिन उसमें ये था कि जी मतलब आप कम अज़ कम फॉर अ लॉन्ग टाइम बैन नहीं होते थे, आपकी वो ID ब्लॉक हो जाती थी एंड डैट सेट. लेकिन IELTS अगर आप लोगों का है इरादा तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें और फिर आप उसके ऊपर काम करें. और अगर कोई इस तरह की ऑफ़र करवाता है कि जी 10 टेस्ट, वाकई उसके 10 टेस्ट क्लियर भी हुए होंगे कि, लेकिन उसमें एक आधा केस अगर फॉर एग्जाम्पल आप ही वो हुए जिसकी बैड लक हुई कि नहीं चलना वो वाला, आप अकड़े गए तो फिर क्या होगा. इसलिए बेहतर है कि तैयारी कर ली जाए, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी बना ली जाती हैं. आई होप कि दिस वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग IELTS. थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.